हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है गाइस आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं कि कू ऐप को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कहां से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। तो गाइस, मैं इसका एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को लेंदी नहीं करते, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन घंटी है उसे दबाना ना भूले कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलते रहे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो गाइस, ये रहा हमारा कू एप्लीकेशन। तो ये कू एप्लीकेशन खुल चुका है। कू एप्लीकेशन खुलने के बाद गाइस, ये आपको यहाँ पर ही लैंग्वेज मांग रहा है। तो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस करके आप यहाँ लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको यहां पर ही आपका अपना मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर ही डाल देना है। तो जो भी आपके मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर आपको यहां पर ही डाल देना है। डाल करके एक ओटीपी आपका जनरेट होगा, तो वो ओटीपी आपको इस मोबाइल पे आपको यहां डालना होगा। तो हमारा जो मैसेज है ये जा चुका है मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर ही ओटीपी आएगा। ये 30 सेकेंड्स का गाइज आप देख सकते हैं, 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स के अंदर आपको ओटीपी जनरेट मिल जाएगा। तो हमारा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और वो ओटीपी हमारा आ चुका है गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं ओटीपी मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद गाइस, आपका इसमें फुल नेम मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर ही अपना पूरा नाम यहाँ पर ही मेंशन करना होगा। तो मेरा नाम है रौनक गाइस। तो रौनक करने के बाद इसमें आपका एक प्रोफाइल में एक फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको फ़ोटो पर जाना होगा, फिर उसके बाद अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर ही अपना एक कोई भी फ़ोटो गैलरी से आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना होगा। तो फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा फ़ोटो हमारा रहेगा। तो हमारा एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूं मैं गाइस। हमारा एक फ़ोटो मिल चुका है जो कि मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। करेक्ट करने के बाद इसमें क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, आप क्रॉप भी कर करके आप इसमें फ़ोटो को डाल सकते हैं। तो डालने के बाद गाइस, आपको यहां पर ही योर प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको कोई भी चीज़ को आप यहां पर ही प्लस आइकॉन यहां पर ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको यहां पर ही मल्टी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप कोई भी सेलेक्ट यहाँ से आप यहाँ पर ही कर सकते हो आप। तो मैंने स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर लिया है। स्पोर्ट्स सेलेक्ट करने के बाद हमने करियर, जॉब और न्यू कल्चर अफेयर्स को सेलेक्ट करके, उसके बाद गाइस आपको इसमें फॉलो मांग रहा है कि आपको कोई भी आपको इसको फॉलो कर सकते हैं कोई भी पीपल को। तो पीपल को करने के बाद गाइस, आप 3, 4, 5, 6 आप कर सकते हैं। तो मैंने एक को कर रखा है, विराट कोहली जी को। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद उनको आपका फिर उसके बाद एक मल्टी ऑप्शंस आ जाता है जो आपको यहाँ पर ही दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ही अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट किया मैंने, बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, और भी आप चाहेंगे तो आप इसको कर करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद आपको करना क्या होगा, तो ये आपका प्रोफाइल कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद भी कुछ ऑप्शन जो आपको बाकी है वो आपको यहाँ पर ही शो हो जाएगा। तो उसको नीचे करने के बाद गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में फ़ोटो आ चुका है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा रौनक, और आप ये आपका आईडी वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ मेंशन दिख रहा होगा। तो मेंशन दिखने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर ही एक वेरी सेल्फ वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सेल्फ वेरीफाई करके आप अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर ही इसमें आप डाल सकते हो, आप आधार कार्ड नंबर कि आप कू एप्लीकेशन के मतलब वेरीफाइड आप यूज़र हैं, तो आप यहां पर ही अपना डाल सकते हैं। तो डालने के बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, एडिट में जाना होगा। तो ये रहा एडिट का ऑप्शंस है। आपको एडिट में जाने के बाद गाइस, आपको यहां दिख रहा होगा कि आपका नाम, आपका हैंडल जो सर्च कर सकते हैं उस हैंडल से, तो उस हैंडल पे भी आप वहां पर ही सर्च कर सकते हैं, जैसे रौनक 1713 आपको गाइस यहां पर ही दिख रहा होगा। तो आप अपना सारा डिटेल फिल कर सकते हैं, प्रोफेशनल, करंट लोकेशंस, बायो मतलब अपने बारे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो बाकी इसमें सारा चीज़ आप इसमें यहाँ पर ही मेंशन कर सकते हो आप अपने प्रोफाइल में, एडिट में जा करके। तो ये रहा, नीचे हम जाते हैं। उसके बाद गाइस, आपको मेल आईडी वगैरह दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है, फिर आप जेंडर दिख रहा है, आप ये सब चीज़ को फिल कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको एडिट में जाना पड़ेगा। जाने के बाद गाइस, आपको सारा डिटेल को यहाँ फिल करना पड़ेगा। आप इसमें इमेज और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा जो कू एप्लीकेशन है पूरा मान लो कि फिल करने के बाद हमारा कंप्लीट रूप से ये चालू हो गया। उसके बाद गाइस, हम क्या करेंगे कि इसको कुछ भी टेक्स्ट करना चाहेंगे कि अपने प्रोफाइल में
हाय लिख करके हम इसको टेक्स्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ही पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो कि हमको शेयर करना है, तो वो आप यहाँ पर ही कू एप्लीकेशन में आप अपना शेयर कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप यूज़ करते हैं, ट्विटर में यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से आप यहाँ पर ही अपने हाय लिख करके या कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह आप यहाँ पर ही वीडियो अपलोड कर सकते हो आप। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है। और इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है कि सेट आपको व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो गाइज ये ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, आप ऊपर में ट्रेंडिंग देख सकते हैं। तो ट्रेंडिंग के लिए आप कौन कौन सा ट्रेंडिंग जो टैग है वो अभी चल रहा है वो आपको इसमें शो कर गया। तो गाइज आप यहाँ पर ही आपको करना क्या है कि कोई भी आप इसको हैशटैग लगा करके आप उस ट्रेंडिंग चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम अगर आपको सर्च करना है तो हैशटैग लगा के भी आप मेरा नाम को सर्च कर सकते हो। तो गाइज हम इस हैशटैग भारत युद्ध के बारे सर्च किया तो वो हमारा सारा चीज़ इसमें यहाँ पर ही शो कर गया, क्योंकि उसी प्रोफाइल का यहाँ पर ही जो हैशटैग आप डालेंगे वहाँ पर ही आपको शो कर जाएगा। तो कू एप्लीकेशन में ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आप आसानी से इजीली में आप सीख सकते हैं। तो फॉलोइंग में क्या कर सकते हैं गाइज, आप जिसको फॉलोइंग करते हैं तो यहाँ पर ही उसका लिस्ट दिख जाएगा, आप इससे चैट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन यहाँ से आप कर सकते हो आप। उसके बाद है गाइज आप जाओगे इसमें, अगर आप अदर में भी जाते हो तो इसमें बहुत सारा इसमें फॉलोअर्स कमेंट वगैरह आपको दिखेगा। तो ये जो यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में जो है उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने दे। बाकी इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। जो शो करना है, साउंड करना है, पॉपअप स्क्रीन करना है, तो आप यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस है जो आपको मल्टी सेलेक्ट लगता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद गाइज आप अपने होम पेज में जाते हो, फिर फीड में जाते हो, फीड के बाद पीपल, न्यूज़, टॉपिक्स, ये सब सारा आपको टॉपिक्स मिल जाएगा जो कि आप इसको देख करके आप कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स आपको किया है वो कर सकते हैं, जो फॉलोइंग है आपको फॉलो कर रहा है या फॉलो आप कर रहे हो तो वो उसका जो वीडियोस या टेक्स्ट या कोई भी चीज़ है आप यहाँ से इसको कर सकते हो। जस्ट लाइक एक ट्यूटर अगर आप यूज़ करते होगे तो सेम टू सेम ट्यूटर के ही तरह है, सेम, कोई डिफरेंस उसमें मुझे तो नहीं समझ में आया। आप लोग को समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या डिफरेंस दोनों में आया है। तो गाइज यहाँ से आप न्यूज़ वगैरह भी आप यहाँ पर ही देख सकते हो, हैशटैग मार करके उस चैनल का, और आपको न्यूज़ भी शो कर जाएगा। तो आपको अगर ट्यूब कुछ भी आप चाहते हो कि इसमें कुछ अपना तरफ से कुछ न्यूज़ या कोई भी चीज़ अपडेट करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे आप ट्विटर अकाउंट में करते हो। तो गाइज इसमें बस इतना ही है। तो गाइज आशा करते हैं कि ये वीडियो है आपको कंप्लीट समझ में आ गया है। तो वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बगल में बेल आइकन घंटी है उसे ज़रूर दबाइए कि नए वीडियो आपको अगले मिलते रहे। तो गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।